गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। ये टॉपिक है कूड़िए वर्ण विक्षेपण क्षमता और वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे प्रिज्म का। आइए देखते हैं, इसमें ये प्रिज्म है। मान लेते हैं जैसे ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म में जब कोई श्वेत रंग का प्रकाश पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो हम यहाँ पर 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ये देखते हैं, इसमें श्वेत रंग का प्रकाश है, एक किरण इधर आई और एक किरण ये आई। तो इसमें कौन कौन कलर होते हैं किनारों पर? ये बैंगनी होता है, ये रेड होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमको विशेष ध्यान देना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक डिफिनीशन लिखे हैं। यहाँ भी दो रंगों लाल व बैंगनी की निर्गत किरण के बीच के कोण को कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण निर्गत किरण, ये इसको निर्गत किरण है, ये जो बाहर निकल रही है रेड और बैंगनी। तो यहाँ दो रंग लिया गया है, एक लाल और एक बैंगनी कलर। तो हम दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, पीछे की तरफ अगर बढ़ाया जाए इनको, ये किरण हो गई और ये दूसरी किरण आपकी ये हो जाएगी, जो दूसरी किरण आपकी है बैंगनी है। तो बैंगनी किरण और लाल किरण, इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर जो कोण आंतरित करते हैं या जो कोण बनाते हैं उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? थीटा से। आइए देखिए, यहाँ पे देखते हैं अल्पतम विचलन कोण इनका कितना होगा। तो अल्पतम विचलन कोण को आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को चलिए आगे बढ़ाइए, ऐसे यहाँ बढ़ा दिए हम। अब यहाँ पर ये जो कोण आंतरित कर रहा, मतलब जो कोण बना रहा है कौन, बैंगनी कलर। तो बैंगनी कलर हो जाएगा डेल्टा भी और ये हो जाएगा रेड का जो होगा वो डेल्टा आर हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा आर। तो यहाँ पर जो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा होगा वो थीटा का मान आपको स्पष्ट होगा क्या होना चाहिए। ये जो बड़ा एंगल है इसमें से इस एंगल को हम घटा दें तो ये एंगल हमको मिल जाएगा बीच का कोण। तो यहाँ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, आंकिक प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आंकिक प्रश्न में पूछता है कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण। तो कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से लिखते हैं और इसका मान क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये हो जाएगा यहाँ से बैंगनी कलर का अल्पतम विचलन कोण और रेड कलर का यानी लाल रंग का अल्पतम विचलन कोण का, दोनों का डिफरेंस होता है। आइए देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण हेडिंग आपका है यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्षमता क्या होता है? यहाँ देखिए, कोणीय परिक्षेपण थीटा तथा मध्यवर्ती में कौन कलर माना जाएगा, पीला, पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं, कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग पीला रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, और इसका मान हो जाएगा थीटा पान मध्यवर्ती रंग, डेल्टा वाई का अल्पतम विचलन कोण होगा। तो विचलन कोण हमने ये डेल्टा वाई मान लिया है, इसे हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये भी कोण है, ये भी कोण है, दोनों कोण का कोई कट जाएगा, यहाँ पर कोई इसका मात्रक नहीं होता है। आइए देखिए, इसको हम अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं ओमेगा इजकल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई, और इसे हम अपवर्तनांक एन के रूप में क्या लिख सकते हैं,
अपवर्तनांकियन के रूप में क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपको एक सूत्र बताया गया था, डेल्टा इजकल टू होता है एन माइनस वन इंटू ए। इस फार्मूले के आधार पर अगर हम लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं बैगनी कलर के लिए क्या लिखेंगे, तो बैगनी कलर के लिए हो जाएगा इसका अपवर्तनांक एन बी माइनस वन और इंटू ए हो जाएगा इसके लिए बैगनी के लिए। रेड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेड के लिए हो जाएगा एन और माइनस वन इंटू ए, प्रिज्म कोण है। और इसी तरह से आप पीले कलर के लिए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एन वाई माइनस वन और इंटू ए। आप ए कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इजकल टू बचेगा क्या यहाँ पर, एन वी माइनस एन आर वन वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और नीचे हो जाएगा एन वाई माइनस वन। ये प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर। पदार्थ यानी जो प्रिज्म है या पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, तो इसका मान जितना अधिक होगा उस पदार्थ के बने प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम उतना ही स्पष्ट यानी उतना ही अधिक फैला हुआ प्राप्त होता है। तो इसका मान जितने अधिक होता है ओमेगा का मान, उतने अधिक आपको अच्छा फैला हुआ स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसे आंकिक प्रश्न में बहुत उपयोग है इसका, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे।